हेलो एवरीवन, आज हम लोग जाने वाले हैं नैनीताल। नैनीताल भारत के उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित एक नगर है और महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल भी है। यह जिले का मुख्यालय है। नैनीताल कुमाऊं क्षेत्र में आता है और इसका विशेष महत्व है। यह छह खाता परगने में आता है। छह खाता नाम षष्ठी खात से बना है। षष्ठी खात का तात्पर्य सात तालों से है। इस आंचल में पहले सात मनोरम ताल थे, यानी कि सात छोटी छोटी और बड़ी झीलें थी। आज इस अंचल को छकाता नाम से भी अधिक जाना जाता है। इसे भारत का लेक डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यह पूरी जगह झीलों से घिरी हुई है। नैनी शब्द का अर्थ है आंखें और ताल का अर्थ है झील। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच बसा हुआ ये एक मनोरम स्थान है। इसमें सबसे प्रमुख झील है नैनी झील, जिसके नाम पर इस जगह का नाम नैनीताल पड़ा है। नैनी झील के उत्तरी किनारे पर नैना देवी मंदिर स्थित है। 1770 में भूसंकलन से यह मंदिर नष्ट हो गया था। बाद में इसे दोबारा बनाया गया। यहाँ सती की शक्ति रूप की पूजा की जाती है। मंदिर में दो नेत्र जो नैना देवी को दर्शाते हैं। नैनी झील के बारे में माना जाता है कि जब शिव सती की मृत देह को लेकर कैलाश पर्वत जा रहे थे, तब जहाँ जहाँ उनके शरीर के अंग गिरे, वहाँ वहाँ शक्ति पीठों की स्थापना हुई। नैनी झील के स्थान पर देवी सती की आंख गिरी थी। इसी से प्रेरित होकर यह मंदिर की स्थापना की गई। मां नैना देवी की असीम कृपा हमेशा अपने भक्तों पर बनी रहती है। हर वर्ष मां नैना देवी का मेला नैनीताल में आयोजित किया जाता है। नैनीताल एक बहुत ही मशहूर पर्यटन स्थल है। अब हम कुछ बातें नैनीताल झील के बारे में भी बता देते हैं। नैनीताल का मुख्य आकर्षण यहाँ की झील है। स्कंद पुराण में इसे ऋषि सरोवर भी कहा गया है। इसका नाम त्रिऋषि सरोवर है। कहा जाता है कि जब अत्रि पुलत्स्य और प्लोह ऋषि को नैनीताल में कहीं पानी ना मिला, तो उन्होंने एक गड्ढा खोदा और मानसरोवर झील से पानी लाकर इसमें भरा। इस झील के बारे में कहा जाता है यहाँ डुबकी लगाने से उतना ही पुण्य मिलता है जितना मानसरोवर नदी में मिलता है। यह झील 64 शक्तिपीठों में से एक है। यह खूबसूरत झील में नौकायान का बहुत ही आनंद आता है। इस खूबसूरत झील में लकड़ी की नौकायान का आनंद लेने के लिए लाखों देशी विदेशी पर्यटक यहाँ हर साल आते। झील के पानी में आसपास के पहाड़ों का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। रात के समय जब चारों ओर बल्बों की रोशनी होती है, तब तो इसकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है। झील के उत्तरी किनारे पर मल्लीताल और दक्षिणी किनारे पर तल्लीताल है। यहाँ एक पुल जहाँ गांधी जी की प्रतिमा और पोस्ट ऑफिस है। यह विश्व का एकमात्र पुल है जहाँ पोस्ट ऑफिस है। इस पुल पर बस स्टेशन, टैक्सी स्टैंड, रेलवे रिजर्वेशन काउंटर भी है। झील के दोनों किनारों पर बहुत सी दुकानें और खरीदारी के केंद्र हैं। यहाँ पर बहुत ही भीड़ भाड़ होती है। नदी के उत्तरी शोर पर नैना देवी मंदिर है। नैनीताल में तल्लीताल डाक में मछलियों का झुंड उनको खाना आदि देने वाले पर्यटकों का आकर्षण केंद्र है। प्राइस हम पहुँच गए हैं नैनीताल में। रास्ते में नैनीताल शहर में हम लोग नज़ारे देखते हुए जा रहे हैं। नैनीताल की सड़कों पे घूमने का आनंद ही कुछ और है। बाजार नैनीताल में बहुत ही सुंदर है। रास्ते में बाजार से होते हुए हम लोग जा रहे हैं। मौसम बहुत ही सुहावना है। बारिश का झुकाव भी मौसम में दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर बहुत से पर्यटक घूम रहे हैं। रास्ते में राजस्थान व अन्य जगह जैसे पंजाब व दूसरे जिलों से आए हुए बहुत सारे पर्यटक घूम रहे हैं और बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। देश के विभिन्न भागों से यहाँ पर्यटक आए हैं और अच्छी खासी भीड़ है। यहाँ सामने एक पार्क नजर आ रहा है जो बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे
कई होटल और होम स्टे भी हमें दिखाई पड़ रहे हैं जो झील के किनारे हैं और कुछ झील के दूसरी ओर भी हैं। अब हम एक ग्राउंड के पास पहुंच गए हैं। इसके एक यहाँ पर एक मस्जिद का गुंबद भी हमें नज़र आ रहा है जो देखने में सुंदर लग रहा है, और एक तरफ हम लोगों को अमर उजाला का ऑफिस भी इसके साथ नज़र आ रहा है। लोग, क्योंकि बारिश चल रही है, लोग अपने साथ छतरियाँ लेके घूम रहे हैं और मौसम का आनंद उठा रहे हैं, और स्ट्रीट फूड भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अब हम लोग गुरुद्वारे के पास से गुजर रहे हैं, और गुरुद्वारे के पास से होते हुए हम लोग नैनी झील के साथ वाली मार्केट, जो कि तिब्बती मार्केट के नाम से जानी जाती है, वहां से गुजर रहे हैं। अब हम पहुंच गए हैं नैनीताल झील के पास, जहां पर नैनी माता यानी कि नैना माता का मंदिर है। अंदर बहुत सारे श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। मौसम बहुत ही खूबसूरत है और लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। नैना माता सबकी मुरादें पूरी करने वाली हैं। नैना माता का मंदिर बहुत ही सुंदर नज़र आ रहा है। यहाँ से झील का नज़ारा भी बहुत ही अद्भुत दिखाई पड़ रहा है। सामने झील के नज़ारे में छोटे छोटे बादल नज़र आ रहे हैं, और धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बारिश होने वाली है। सरप्राइज, हम लोग पहुंच गए हैं नैनीताल के पास, और मौसम बहुत सुहावना है। थोड़ी थोड़ी बीच में बारिश की बूंदाबांदी भी हो रही है। लोग नौका विहार का आनंद यहाँ ले रहे हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। जब भी नैनीताल आना हो तो आप लोग नौका विहार ज़रूर करें।